नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी की डिजिटल क्लासेस में। मैं हूं श्रेय पांडे और आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। इसके पहले की क्लासेस में हमने हमारे बुक कंप्यूटर विशिष्ट परिचय के लेसन 3 चैप्टर 3 इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के इनपुट डिवाइस वाले पार्ट को मैंने लेक्चर के वीडियो लेक्चर के रूप में आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद आज हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे और आउटपुट डिवाइस पर अपनी चर्चा करेंगे। तो आउटपुट डिवाइस का एक पार्ट मॉनिटर, जो कि ऑलरेडी आपको लेक्चर में प्रोवाइड किया जा चुका है। आज हम महत्वपूर्ण विषय प्रिंटर पर अपनी चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ व्यापम का एग्ज़ाम हो या कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, उसमें अगर कंप्यूटर आपका विषय है तो प्रिंटर से 3 से 4 क्वेश्चन तो आने श्योर हैं। और छात्रावास अधीक्षक जैसे एग्ज़ाम्स में 5 से 6 प्रश्न तक आ जाते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये जो क्लास अभी आप देख पा रहे हैं, ये क्लासेस आपको हमारे कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल क्लास ऐप पे प्रोवाइड होती है, जहाँ पर बहुत ही कम दाम में आपको ये क्लास मिलेगी। तो एक बार आप क्लास ज़रूर देखें हमारी, और क्लास देखने के बाद अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें और लाइक करें। और हमारी जो बुक, जो कि बहुत ही अच्छे से अपडेट की जा चुकी है और आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है, कंप्यूटर विशिष्ट परिचय, इस बुक को आप एक बार परचेस करें और आप पढ़ के देखें। आपको समझ में आएगा कि ये बुक जो है वो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, हम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम में ये जो विषय है वो कितना महत्व रखता है, ये हमें समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से सीजी व्यापम में मिनिमम 10 नंबर और मैक्सिमम 50 नंबर तक के प्रश्न आते हैं। ठीक है, साथ में किसी एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स और किसी एग्जामिनेशन में 30 मार्क्स, 30 मार्क्स। आप खुद सोचिए, अगर किसी प्रश्न पत्र में 150 कुल प्रश्न होते हैं और उसमें से 50 आपका कंप्यूटर हो, तो ये विषय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। छात्रावास अधीक्षक का एग्ज़ाम अगर होगा तो उसमें 50 नंबर के आपके कंप्यूटर से आने वाले हैं। अगर आप सहायक ग्रेड 3 की तैयारी करते हैं तो आपके 30 नंबर से क्वेश्चन आने वाले हैं। RI पटवारी जैसे कोई एग्ज़ाम होते हैं तो आपके 20 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। और कभी कभी किसी अन्य एग्ज़ाम में सामान्य रूप से, जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस नहीं भी होता, उसमें भी आपको 10 प्रश्न दे दिए जाते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में एक बात चल रही होती है कि भाई कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस में क्या लिखा है, कैसा लिखा है, कुछ समझ नहीं आता। तो उसके लिए आपको मार्केट में कंप्यूटर विशिष्ट परिचय नाम की बुक आपको प्रोवाइड की जा रही है। उस बुक की खास बात यह है कि उसमें बड़े ही सामान्य शब्दों में, सरल भाषा में, जो जो चीज़ एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है सिर्फ वही आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि आप कम समय में भी तैयारी कर सकते हैं। अभी जब मैं स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा हमारी जो क्लासेस है, अभी बुक का ही स्लाइड आप देख पाएंगे, जिससे कि आपको खुद समझ आ जाएगा कि हाँ, ये बुक जो है वो पढ़ने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और आज बात करते हैं प्रिंटर के ऊपर। तो प्रिंटर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्या है भाई, आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट दो प्रकार के होते हैं भाई, कौन कौन से आउटपुट होते हैं। पहला होता है हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट और दूसरा होता है हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। अब हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दो प्रकार के हमारे आउटपुट होते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करने वाले दो आउटपुट डिवाइस हैं। पहला है हमारा प्रिंटर और दूसरा है हमारा
प्लॉटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड करने वाले, एक होता है हमारा ऑडियो आउटपुट और दूसरा होता है हमारा वीडियो आउटपुट। तो भाई ऑडियो आउटपुट में आपको स्वाभाविक सी बात है पता है कि जो स्पीकर होता है वो ऑडियो आउटपुट है, और जो वीडियो प्रोवाइड करने के लिए वीडियो आउटपुट कौन प्रोवाइड करेगा, आपको आपका प्रोजेक्टर और मॉनिटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर जो है आपको वीडियो आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर हार्ड कॉपी आउटपुट में प्रिंटर और प्लॉटर है। अब मैं आपको बताता हूँ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या डिफरेंस होता है। जो भी चीज़ आपको कंप्यूटर के स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रही है या आपके मोबाइल के स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रही है, जिसे आप अपने हाथ से टच नहीं कर सकते, आप स्क्रीन को तो टच कर सकते हैं पर उसके अंदर के किसी भी एप्लीकेशन को टच नहीं कर सकते, तो वो सारी की सारी जो डिजिटल रूप में है वो कहलाती है सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी क्या है, जब इस सॉफ्ट कॉपी को आप एक पेज पर प्राप्त कर लेते हैं तो वो कहलाती है हमारी हार्ड कॉपी। ठीक है, तो इस प्रकार से हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करने वाले कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेज हैं, तो एक है हमारा प्रिंटर और दूसरा है हमारा प्लॉटर। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रिंटर के विषय में। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगेगी, वीडियो हमारी अच्छी लगेगी तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रिंटर के विषय में चर्चा करते हैं। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये हमारे बुक की ही स्लाइड है, और मैंने बुक के ही आधार पर क्लासेस करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि अगर आपके पास बुक घर पे अवेलेबल है और आप क्लास में थ्योरी भी उसी बुक से कर रहे हैं तो आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रिंटर। तो प्रिंटर जो है वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का कार्य करता है। प्रिंटर एक हार्डवेयर है। क्यों हार्डवेयर है भाई, प्रिंटर को हम टच कर सकते हैं इसलिए प्रिंटर एक हार्डवेयर है और आउटपुट डिवाइस भी है। प्रिंटर कंप्यूटर से प्राप्त सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। अगर पेपर में प्रश्न आया आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का कार्य करती है, तो वो कौन सी डिवाइस होगी, प्रिंटर होगी। इसका उपयोग कंप्यूटर पर प्रोसेस्ड डेटा के हार्ड कॉपी के तौर पर प्रिंट के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर एक बात आई है, प्रोसेस्ड डेटा। ये प्रोसेस्ड डेटा क्या है, तो भाई कंप्यूटर में कभी भी इनपुट दिया जाता है तो इनपुट के रूप में आप क्या देते हैं, उसमें डेटा जिस पर प्रोसेस अप्लाई होता है, और प्रोसेस अप्लाई होने के बाद हमें प्राप्त क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, और इसी इन्फॉर्मेशन को हमें क्या करना होता है, आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करना होता है, और आउटपुट रूप के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमें आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर ये जो डेटा कंप्यूटर के अंदर दिया गया, जो हमें इन्फॉर्मेशन के रूप में प्राप्त हुआ, उसे हम कहेंगे प्रोसेस्ड डेटा। डेटा पर प्रोसेस होने के बाद वो प्रोसेस्ड डेटा कहलाता है। इस प्रोसेस्ड डेटा की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात, क्योंकि आप थ्योरी सुनेंगे तब आपसे पेपर में प्रश्न बनेंगे। बहुत सिंपल सी बात है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना, पर जब प्रश्न घुमा के आपसे पूछेगा ना तो उस समय आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए सुनिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस एक साझा आम संसाधन है। ये लाइन इसलिए इसमें लिखी गई है क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है सीजी व्यापम में 2016 में। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है डिवाइस एक साझा आम संसाधन है, इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब हुआ कि प्रिंटर का आप एक से अधिक डिवाइस के साथ उसे आप शेयर कर सकते हैं। प्रिंटर को कैसे शेयर कर सकते हैं, आप देखिएगा कि आप लोग जब क्या कहते हैं उसे साइबर कैफ़े में जाते हैं और अपना किसी भी एक सिस्टम में बैठ जाते हैं साइबर कैफ़े में, और उस सिस्टम में बैठ के आप अपना एडमिट कार्ड निकालते हैं, आप वहीं से प्रिंट देते हैं और वो प्रिंटर से आपको प्राप्त हो जाता है। अगर उस ऑफिस में
10 अलग अलग कंप्यूटर हैं, तो 10 अलग अलग कंप्यूटरों के लिए अलग अलग प्रिंटर नहीं लगाया जाता, सिर्फ एक प्रिंटर लगा दिया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंटर, और ये प्रिंटर सभी को सभी से शेयर्ड रहता है। जो भी व्यक्ति प्रिंट करना चाहेगा वो डायरेक्ट इस प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि आउटपुट डिवाइस एक आम सादा संसाधन है, तो कौन सा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है वो आम रूप से शेयर किया जा सकता है, अर्थात प्रिंटर का प्रयोग कई डिवाइस के साथ जोड़कर शेयर करके आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला, प्रिंटर को सिस्टम के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। मैंने आपको पोर्ट वाली क्लास में बताया सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट, तो जो पैरेलल पोर्ट होता है पैरेलल पोर्ट से किसको जोड़ा जाता है, प्रिंटर को जोड़ा जाता है। और ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रिंटर को किस पोर्ट से जोड़ा जाता है, ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है। प्रिंटर की गति को कैरेक्टर पर सेकेंड CPS, लाइन पर मिनट LPM और पेज पर मिनट से मापा जाता है, इन तीनों से मापा जाता है प्रिंटर को। अब ये निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का प्रिंटर है, हर अलग अलग प्रकार के प्रिंटर को अलग अलग तरीके से मापा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न CG व्यापम, लेखापाल और हास्टर वर्डन 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई प्रिंटर की बात। अब हम बात करेंगे प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण करेंगे और एक एक करके सभी को समझेंगे। तो प्रिंटर को दो प्रकार से बांट सकते हैं, पहला, और यहाँ से आप मान के चलिए आपको प्रश्न का सामना करना पड़ सकता है, बिल्कुल तैयार रहेंगे, ध्यान से समझेंगे। प्रिंटर का वर्गीकरण, प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर और प्रिंट करने के तरीके के आधार पर दो तरीके से प्रिंटर को वर्गीकृत किया गया है। प्रिंट करने की क्षमता के आधार पर इसे बांटा गया है कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। कौन कौन से प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर हैं, कौन कौन से प्रिंटर लाइन प्रिंटर है और कौन कौन से प्रिंटर पेज प्रिंटर हैं, ये आपका पहला प्रश्न, और अभी आपको ये समझना है। ये आप समझ गए तो एक प्रश्न आपके थैली में पक्के हैं। ठीक है, चलिए इसे चर्चा करते हैं। देखिए कैरेक्टर प्रिंटर, नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक बार में एक या एक से अधिक कैरेक्टर को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, तो वो कैरेक्टर प्रिंटर होगा। दूसरा लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर जो एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करेगा वो लाइन प्रिंटर होगा। और पेज प्रिंटर एक बार में पूरी एक पेज को प्रिंट करेगा, एक या एक से अधिक पेज को प्रिंट करेगा, ये पेज प्रिंटर हो गया। ये तो इसकी सामान्य डेफिनेशन हो गई। अब पर्टिकुलर प्रत्येक प्रिंटर के बारे में हम समझते हैं। देखिए कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है वो ऐसा प्रिंटर जो एक बार में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट करता है, यह टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी स्पीड, क्वालिटी और कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है। कैरेक्टर प्रिंटर में कार्बन कॉपी प्राप्त की जा सकती है। डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सभी क्या हो गए हमारे कैरेक्टर प्रिंटर। ये बुक में देखिए एकदम सामान्य शब्दों में लिखा हुआ है, अब मैं इसे आपको डिटेल में समझाता हूं। ठीक है, तो इसके डिटेल करने के पहले हम ये समझते हैं कि प्रिंटर के दूसरे प्रकार कैसे होते हैं। तो देखिए यहां पर प्रिंट करने के तरीके के आधार पर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। पेपर में जो प्रश्न आता है वो कौन सा प्रिंटर कैरेक्टर, लाइन या पेज प्रिंटर है, ऐसा भी आता है, और कौन सा प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर है और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ऐसा भी आता है। तो सबसे पहले इन दोनों प्रिंटर्स के बारे में हम समझते हैं कि ये दोनों प्रिंटर की मैकेनिज्म क्या होती है, वो कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम याद करेंगे कि कौन सा प्रिंटर कौन सा है, जिससे कि आपके दो प्रश्न पेपर में डन हो जाएंगे। तो देखिए इंपैक्ट प्रिंटर,
नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा कोई प्रिंटर जो भी प्रिंट करने में इम्पैक्ट छोड़े, अपना प्रभाव छोड़े, ठीक है, अपना इम्पैक्ट दे, प्रभाव छोड़े, जो दबाव का प्रयोग करे, प्रेस का प्रयोग करे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपके गाल में खींच के एक चांटा मारूं तो उससे क्या होगा, आपके गाल में एक निशान पड़ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, ये प्रिंट करने के लिए जोर से टक्कर मारता है, ठीक है, और टक्कर मार के प्रिंट करता है। ये क्या क्या चीज़ें उपयोग करता है प्रिंट करने के लिए, ये हम समझते हैं इसकी प्रिंटिंग टेक्निक कैसी होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो प्रिंट करने के लिए एक इंक के रिबन का प्रयोग करता है। देखिए एक इंक का रिबन है, ये रिबन पेपर के ऊपर लगा होता है और जो भी अक्षर आपको प्रिंट करने हैं वो एक हैमर के माध्यम से स्ट्राइक किया जाता है, इस तरीके से उस पर दबाव लगाया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है आपने कार्बन कॉपी का यूज़ किया होगा, एक पेपर के ऊपर आप कुछ लिख रहे हैं उसके नीचे में आपने कार्बन कॉपी लगा दी है तो वो दूसरी तरफ भी आपको मिल जाती है। मतलब कि क्या आप इन्हें एक बार काम किया और आपने दो पेज प्राप्त कर लिया, इसे कहते हैं कार्बन कॉपी प्राप्त करना। तो वैसे ही इस इंक रिबन के ऊपर अगर आप कोई भी चीज़ चोट करेंगे, कोई भी चीज़ स्ट्राइक करेंगे, तो जो भी आप स्ट्राइक करेंगे और अगर यहाँ पर कुछ छपा हुआ लेटर है वो पीछे छप जाएगा, है कि नहीं। तो ये टेक्निक कौन यूज़ करता है, इम्पैक्ट प्रिंटर। ये जोड़ जोड़ से साउंड करता है जब आप प्रिंट करेंगे तो, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो ऐसा कुछ भी नहीं करता, उसकी टेक्निक अलग होती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दूसरे तरीके से प्रिंट करता है, इम्पैक्ट प्रिंटर रिबन का, इंक रिबन का प्रयोग करता है, हैमर का प्रयोग करता है कि नहीं। परंतु नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा कुछ नहीं करता। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट करने के लिए स्प्रे टेक्निक, कलर स्प्रे टेक्निक का प्रयोग करता है, जिसमें पेज और प्रिंटिंग हेड के बीच जुड़ाव नहीं होता, उनके बीच में दूरी रहती। जैसे कि मेरे पास एक ये स्प्रे है, इस स्प्रे को मैं इस पेपर पर करूं तो देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, ये स्प्रे, मतलब ही क्या हुआ, एक चेंज हो रहा है कलर, इस पे कलर आ गया। ये टेक्निक करता है इंक जेट, जो कि एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में ये डिफरेंस होता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट करते वक्त चोट का प्रयोग करता है, प्रभाव का प्रयोग करता है, इम्पैक्ट का प्रयोग करता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा कुछ भी नहीं करता। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टेक्निक अलग होती है, जिसमें पेपर और प्रिंटिंग हेड के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहती है, दोनों के आपस में एक दूसरे से ये नहीं टकराते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे होता है। पहले इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में उसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट अर्थात दबाव, ठीक है, इम्पैक्ट का अर्थ होता है दबाव या टक्कर से इसका संबंध होता है। अर्थात ऐसा प्रिंटर जो कागज पर रिबन व कैरेक्टर को हैमर से चोट करके छपाई करता है उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि एक पेज है, इस पेज के ऊपर में एक कलर का रिबन लगा होता है, इस रिबन में जो भी चीज टकराएगी वो पीछे की तरफ प्रिंट हो जाएगी, ठीक। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग हेड से पेपर पर बलपूर्वक लेटर प्रिंट किया जाता है, बिल्कुल स्ट्राइक करता है, बलपूर्वक प्रेस करने के कारण ये क्या करता है, प्रिंटिंग के समय शोर करता है, ठीक है। ये प्रिंटिंग के समय क्या करेगा भाई, शोर करेगा, ठीक है कि नहीं। इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा धीमा होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि दूसरी टेक्निक प्रयोग करता है, स्प्रे की टेक्निक प्रयोग करता है, सूखे स्याही का प्रयोग करता है, अलग अलग प्रकार से करता है, तो वो बहुत फास्ट होता है किसकी अपेक्षा, इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा। अब इम्पैक्ट प्रिंटर लगभग कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर होते हैं, ये पेज प्रिंटर नहीं होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर हमेशा कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर हो सकते हैं और लाइन प्रिंटर हो सकते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो पेज प्रिंटर नहीं होते, वो एक बार में पूरा एक पेज प्रिंट नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर से कार्बन कॉपी प्राप्त की जा सकती है, क्यों कार्बन कॉपी प्राप्त की जा सकती है,
क्योंकि देखिए ये दबाव से प्रयोग कर रहा है और इंक रिबन का प्रयोग कर रहा है। अगर इस रिबन के पीछे एक पेपर मैं और रख दूँ और एक रिबन और लगा दूँ तो जो भी चीज़ आप इसमें प्रिंट करेंगे वो छप जाएगी ना, दूसरे पेपर पे भी छप जाएगी। तो इसलिए इससे कार्बन कॉपी प्राप्त की जा सकती है। कार्बन कॉपी का वही अर्थ है कि एक बार ही प्रिंट करने में एक से अधिक प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। हाँ तो प्राप्त किया जा सकता है। ये देखिए पहले के समय में आपने टाइपराइटर देखा होगा तो टाइपराइटर में एक काली रिबन रहती थी। वो रिबन जो भी कैरेक्टर हम टाइप करते थे वो स्ट्राइक होके उस रिबन पर पड़ती थी इस तरीके से, तो वो पीछे छपते जाता था। ये वही टेक्निक है जो इम्पैक्ट प्रिंटर जिस पे काम करता है, ठीक है कि नहीं। तो ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, देखिए प्रिंटिंग की शुरुआत तो 15वीं शताब्दी से हो चुकी है, परंतु एप्सन ने, जो जापान की कंपनी है, एप्सन ने पहली बार इम्पैक्ट प्रिंटर लॉन्च किया था, ठीक है। तो एप्सन कंपनी ने इम्पैक्ट प्रिंटर पहले लॉन्च किया और इस तरीके से यही टेक्निक उसने अप्लाई की थी अपने प्रिंटिंग टेक्निक में। अब देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से प्रिंटर हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। सबसे पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर, ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर में जो होता है, तीन प्रकार के प्रिंटर आते हैं जो लाइन प्रिंट करते हैं, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो इसे याद रखने का तरीका कैसे है, इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर में जो दो डी से स्टार्ट होते हैं, दोनों डी और डी, डॉट मैट्रिक्स और डेजी विल, ये दोनों के दोनों जो प्रिंटर हैं वो किस प्रकार के हैं, इंपैक्ट प्रिंटर। इसके बाद देखिए लाइन प्रिंटर कौन कौन से हैं। तो लाइन मतलब एक सीधी लाइन, और ए के बाद क्या आता है, बी, बी के बाद क्या आता है, सी, सी के बाद क्या आता है, डी। तो ये बी सी डी, ठीक है, ये जो तीनों हैं, बी फॉर बैंड, सी फॉर चैन और डी फॉर ड्रम, ये तीनों जो प्रिंटर है, बी सी डी, बैंड, चेन, ड्रम, ये कौन से प्रिंटर है, इम्पैक्ट। आप कभी नहीं भूलेंगे, एक बार ये ट्रिक आपको याद हो जाएगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सा प्रिंटर कौन सा है। हालांकि अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रिंटर कौन सा है, ठीक है। फिर भी तो बैंड, चेन, ड्रम, ये तीनों लाइन से हैं एक साथ, तो ये कौन से प्रिंटर हो गए, बैंड, चेन और ड्रम जो है वो लाइन प्रिंटर है। देखिए बी फॉर बैंड, सी फॉर चैन, डी फॉर ड्रम, तो ये लाइन प्रिंटर है, बैंड, चैन और ड्रम लाइन प्रिंटर है, ठीक है। बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये तीनों लाइन प्रिंटर है। साथ ही साथ अभी आखिरी क्या आ गया आपका, डी, तो डी के बाद दो तो डी और, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, ये हो गया डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, ये दोनों आपके कौन से प्रिंटर हो गए, इम्पैक्ट प्रिंटर। परंतु यहाँ पर डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स दोनों किस प्रकार का प्रिंटर है, डेजी व्हील कैरेक्टर है, डॉट मैट्रिक्स भी कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो कौन कौन से प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो बी बैंड, सी चैन, डी ड्रम, ये इम्पैक्ट प्रिंटर, और दो और इम्पैक्ट प्रिंटर है डी से ही जिनका नाम है डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। तो इम्पैक्ट प्रिंटर आपका डन हुआ, बिल्कुल याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट करने के लिए, अच्छा पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर की थ्योरी में थे ना, वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो इम्पैक्ट प्रिंटर, ये हाँ इम्पैक्ट प्रिंटर की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है, अब हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देखते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आएंगे,
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, पहले इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट पहले हम लोग करेंगे, फिर इम्पैक्ट के अंदर के सारे प्रिंटर को समझेंगे, फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर के सारे प्रिंटर को समझेंगे, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इस तरह का प्रिंटर कागज पर चोट नहीं करता। प्रश्न आया हुआ था CSPHCL 2019 में कि कौन सा प्रिंटर कागज पर चोट नहीं करता, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भाई अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, वो चोट नहीं करता, ठीक है, बल्कि विभिन्न तरीकों से, जैसे कि विद्युत रासायनिक विधि से इंक की फुहार कागज पर छोड़कर, मैंने अभी आपको दिखाया, मान लेते हैं इस स्प्रे के अंदर इंक है और ये कागज है, तो वो इस तरीके से स्प्रे करके प्रिंट करता है, स्प्रे करके प्रिंट करता है, ठीक है, और स्प्रे के माध्यम से ही कलर के अक्षर बनाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये जो टेक्निक हो गई हमारी, ये कहलाती है हमारी नॉन इम्पैक्ट के लिए, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से रेखा चित्र, ग्राफ, टेक्स्ट, किसी भी प्रकार का रंगीन प्रिंट आप कर सकते हो, पर इम्पैक्ट प्रिंटर से आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर जो रहता है उसमें पहले से अक्षर लिखे हुए रहते हैं, ये अक्षर लिखे हुए हैं, ABCD जो भी लिखा हुआ है। अब क्या होगा, इसके ऊपर में रिबन रहेगा और इसके पीछे में हैमर रहेगा, हैमर रिबन को टच करेगा तो ये जो अक्षर है वही प्रिंट होंगे। इससे आप कोई इस प्रकार का सर्कल, ऐसा त्रिकोण, ऐसा कुछ आप नहीं बना सकते। आपको ऐसे बनाने के लिए किस प्रकार का प्रिंटर चाहिए होगा, अगर आपको कुछ डायग्राम बनाना है, कुछ बहुत बड़ी इमेज या सीनरी, ऐसे कुछ सीनरी बनानी है, ठीक है, तो ये सीनरी वगैरह बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस पे प्रिंट करना पड़ेगा, आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं की जा सकती, इम्पैक्ट प्रिंटर से कार्बन कॉपी प्राप्त की जा सकती थी क्योंकि ये स्ट्राइक का प्रयोग करता था, पर यहाँ पर किसी भी प्रकार का दबाव नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में नहीं लग रहा है, इसलिए इसे कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं की जा सकती। यह प्रिंटर शोर नहीं करते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर शोर कर रहे थे क्योंकि वो स्ट्राइक कर रहे थे, परंतु ये लोग स्ट्राइक नहीं करते, ये दूसरी टेक्निक, स्प्रे टेक्निक का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये शोर नहीं करते, और इनकी गति भी क्या होती है, तीव्र होती है, और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मोनोक्रोम और कलर दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो मोनोक्रोम होते हैं, मतलब वो सिर्फ एक कलर में प्रिंट कर सकते हैं। क्यों भाई, जिस कलर की रिबन है उसी कलर का तो वो प्रिंट करेगा ना, अगर आपको 10 कलर की रिबन रहेंगी तो 10 कलर में प्रिंट करेगा, परंतु उसके पास जो कलर है इंक रिबन, उस रिबन में इंक लगा हुआ है, ठीक है। ये जो रिबन लगा हुआ है हमारा, ये रिबन अगर ब्लू कलर का है तो ब्लू प्रिंट करेगा, ब्लैक कलर का है तो ब्लैक प्रिंट करेगा, रेड कलर का है तो रेड प्रिंट करेगा, है कि नहीं। तो ये मोनोक्रोम हुआ, एक कलर, परंतु नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो फुल मोनोक्रोम भी हो सकता है और कलर भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कागज और प्रिंट की सतह के बीच सीधा संपर्क नहीं होता, और इम्पैक्ट प्रिंटर में सीधा संपर्क होता है। ये देखिए, मैं दोनों की तुलनात्मक दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ कि किसमें होता है किसमें नहीं होता, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो देखिए, इंकजेट, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ये तीन प्रिंटर जो हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है, ठीक है। पेपर की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं फिर से। प्रिंट करने के तरीके के आधार पर हमने देखा इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके आ गए डी डी और बी सी डी, बेंड चैन ड्रम डेसिबल डॉट मैट्रिक्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके आ गया थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, और ये तीनों प्रिंटर के प्रिंट करने की अपनी अलग ही टेक्निक होती है, वो इसकी थ्योरी में हम समझेंगे। अब ये देखते हैं कि हमारे पूरे पेपर में एक प्रिंटर है जो पेज प्रिंटर है, और वो है लेज़र प्रिंटर, ठीक है। कौन सा प्रिंटर पेज प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर पेज प्रिंटर है, और लाइन तो मैंने बता ही दिया आपको, जो लाइन से है, मतलब कौन सा है, लाइन से
बी सी और डी बेन चैन और ड्रम, ये लाइन प्रिंटर है। और कैरेक्टर प्रिंटर में डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। और ये जो डेजी व्हील डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट हैं और कैरेक्टर प्रिंटर हैं, नोट करिए, इम्पैक्ट हैं और कैरेक्टर प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर भी है कैरेक्टर प्रिंटर भी है। और जो थर्मल है, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ये दोनों नॉन इम्पैक्ट हैं और कैरेक्टर प्रिंटर हैं। तो आपको पेपर में अगर ऐसा प्रश्न पूछता है कि कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी है और कैरेक्टर प्रिंटर भी है, तो सबसे पहले थर्मल और इंकजेट आप देखेंगे, और थर्मल और इंकजेट जो है दो कैरेक्टर प्रिंटर में भी है, तो ये आपका हो गया थर्मल प्रिंटर जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी और कैरेक्टर प्रिंटर भी है, थर्मल और इंकजेट, ठीक है। तो पेपर की दृष्टि से आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, पहला नोट्स आप बनाओगे इस तरीके से कि कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है, तो डेजी व्हील डॉट मैट्रिक्स थर्मल और इंकजेट कैरेक्टर प्रिंटर है, ये लोग लाइन प्रिंटर है और पेज प्रिंटर में लेजर प्रिंटर है, पहला एक आपका नोट्स बनेगा। दूसरा आप बनाओगे प्रिंट करने के तरीके के आधार, उसमें आप लिखोगे इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं, तो बी सी डी और डी डी, मतलब बेन चैन ड्रम डेजी व्हील डॉट मैट्रिक्स, ठीक। अब आएगा नॉन इम्पैक्ट, तो थर्मल इंकजेट लेजर, सर्वाधिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो कैरेक्टर प्रिंटर से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है, ये पेज पे बना हुआ जो भी आइटम है वो आपको याद होना, ठीक है, तब आप इसको अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। आपको और सरलता से याद कराने के लिए एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, होली के समय जो हमारे दोस्त होते हैं ना वो हमें कलर लगाते हैं, तो वो अपने हाथ में एक कलर लिए रेड कलर या ब्लैक कलर, उस कलर को इस तरीके से मलते हैं और जहाँ पाते हैं वहाँ रगड़ के कलर लगाते हैं, ऐसा गाल में मारेंगे, इधर मारेंगे, पेट में मारेंगे, पीठ में मारेंगे, पूरा रंग कर देते हैं। ये जो मार मार के लगा रहे हैं ना, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, अभी वो इम्पैक्ट प्रिंटर जैसा बर्ताव कर रहे हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जैसा कैसा, जब वो कलर को इस तरीके से हाथ में पकड़ के ऐसे हमारे ऊपर फेंक रहे हैं अगर किसी भी तरीके से, तो ये कौन सा प्रिंटर हो गया हमारा, नॉन इम्पैक्ट। इसमें क्या हुआ कि हम जो प्रिंटर है, जो प्रिंट का हेड है और जिस पर प्रिंट हो रहा है उनके बीच दूरी है, ठीक है, वो एक दूसरे से संपर्क में नहीं आ रहे हैं, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो संपर्क में नहीं आता और इम्पैक्ट प्रिंटर जो संपर्क में आता है, ठीक है। तो ये आप एक एग्जांपल याद रख सकते हैं। अब एक एक करके इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, जैसे ही नाम आपके सामने में आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो आपके दिमाग में पहली बात आनी चाहिए कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर भी है और ये कैरेक्टर प्रिंटर भी है। डॉट मैट्रिक्स का डायग्राम यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ ये पिंस की संरचना दिख रही है, तो इससे पहले हम समझते हैं, देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो प्रिंट करने के लिए पिन का प्रयोग करता है, ठीक है, ये देखिए समझ लीजिए, ये एक लंबी पिन की एक श्रृंखला होती है, इसमें इस तरीके से पिंस होते हैं, पिंस का मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ये इस तरीके से 7 पिन, 9 पिन, 18 पिन, 24 पिन तक के इसमें मैट्रिक्स होते हैं। मिनिमम कितने पिन होते हैं हमारे, 7, और मैक्सिमम कितने तक हो सकते हैं, 24 और 32 तक के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पिन काम क्या करते हैं, ये पिन प्रिंट करने का काम करते हैं, ये पिन एक हेड में लगे होते हैं, देखिए इस प्रिंटर में प्रिंट हेड लगा होता है, प्रिंट हेड का मतलब है वह हेड जो कि प्रिंट करने का काम करे, वो प्रिंट हेड होगा, जिसमें कागज़ से टक्कर के कारण प्रिंट होता है, और कागज़ में टक्कर के कारण प्रिंट हो रहा है मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर है। इनमें एक टाइम पर एक ही कलर से प्रिंट हो सकता है, क्यों, ये लोग जो होते हैं, ये जो प्रिंटर होता है वो इंक रिबन का प्रयोग करता है भाई, इंक रिबन, ठीक है, और जब ये इंक रिबन का प्रयोग कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, ये एक ही प्रकार के कलर को प्रिंट कर पाएगा, और इसके पीछे मान लेते ये रिबन है और ये इसके पीछे पेपर है, अब ये प्रिंट हेड जो है वो इस तरीके से इसके ऊपर पड़ेगा तो जो जो अक्षर है वो एक ही कलर में प्रिंट होंगे भाई,
तो ठीक है ना, तो ये एक कलर प्रिंट कर सकता है, इसलिए इसे मोनोक्रोम प्रिंटर भी कहते हैं। तो एक नया फैक्ट सामने आया, मोनोक्रोम प्रिंटर किसे कहते हैं, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है उसे हम मोनोक्रोम प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रिंटर में दो हिस्से होते हैं, एक होता है रिबन होल्डर और एक होता है ड्राइव बेल्ट। ठीक है, ड्राइव बेल्ट और रिबन होल्डर क्या होता है भाई, वो पोर्शन जो इस रिबन को होल्ड करके रखेगा उसे क्या कहेंगे, रिबन होल्डर। एग्जाम्पल, जिस तरीके से ये मेरी दोनों उंगली है, इन दोनों उंगली पे मैंने इस रिबन को होल्ड करके रखा हुआ है, तो ये हिस्सा क्या हो गया, रिबन होल्डर। ठीक है, रिबन होल्डर। अब दूसरा हिस्सा क्या होता है, ड्राइव बेल्ट। ये जो हेड है इसके पीछे देखिए, इस तरीके से जैसे कि साइकिल में चेन लगा होता है ना, तो उसका जो जिसमें चेन फंसा होता है वो एरिया होता है, इस पे एक बेल्ट लगा होता है इस तरीके से, इस तरीके से। और ये जो चक्री है इसी बेल्ट में मूव होती है और रिबन में अलग अलग स्थान में जाती है, आगे पीछे घूमती है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, ड्राइव बेल्ट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के हेड में पिन का एक मैट्रिक्स होता है, ये देखिए पिन का ये मैट्रिक्स है। ठीक है, सिंगल सिंगल भी होते हैं और डबल डबल भी पिन का मैट्रिक्स होता है, जो कि 7, 9, 14, 18 और 24 होते हैं, सारे फैक्ट्स हैं। यह कैरेक्टर प्रिंटर है जो डॉट या पिन के द्वारा प्रिंट करता है तथा इसके लिए प्रिंटिंग रिबन का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, रिबन का प्रयोग किया जाता है। इसकी क्वालिटी को डॉट्स पर इंच DPI डॉट पर इंच से मापा जाता है, क्योंकि ये डॉट डॉट में प्रिंट करता है भाई। इसका उपयोग मुख्यतः अकाउंटिंग और बिलिंग में किया जाता है, अकाउंटिंग और बिलिंग में किया जाता है। इस प्रकार इस प्रिंटर के द्वारा ग्राफ और रेखा चित्र उकेरे जा सकते हैं, परंतु इनकी गुणवत्ता बहुत ही कम होती है। ठीक है, गुणवत्ता बहुत ही कम होती है। अब ये देखिए, ये मैट्रिक्स से प्रिंट कैसे करता है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे ये चित्र दिख रहा होगा, इस चित्र में इसने एस आकृति बनाई है। ठीक है, ये इस तरीके से एस आकृति यहाँ पर बनी हुई है। तो जब ये प्रिंट करना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले ये मान लीजिए ये पिन का प्रयोग कर रहा है, ये 7 पिन का जो ये मैट्रिक्स है, ये वाला इस 7 पिन का ये प्रयोग कर रहा है। तो जब ये पहले बार ये प्रिंट हेड इस तरीके से प्रिंट करता है, तो पहले वो एस की एक लाइन को प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर जब वो दूसरे बार प्रिंट करेगा तो वो दूसरी लाइन को भी समाहित कर लेगा उसमें। जब तीसरी बार प्रिंट करेगा, देखिए तीसरा डॉट पड़ा, चौथी बार प्रिंट करेगा तो चौथा डॉट पड़ा, पांचवी बार प्रिंट करेगा तो पांचवा डॉट पड़ा, और छठवीं बार में ये पूरी तरह से इसको प्रिंट करेगा। मतलब कि ये क्या कर रहा है, ये सिक्वेंस में प्रिंट कर रहा है। किस में प्रिंट कर रहा है, सिक्वेंस में प्रिंट कर रहा है। जिस प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं, प्रिंट हेड एस आकृति को प्रिंट कर रहा है, जिसमें वह कई बार एस अक्षर को सिक्वेंशियली प्रिंट कर रहा है, इसलिए यह एक सिक्वेंशियल प्रिंटर है। और यह व्यापम 2016 हॉस्टल वार्डन में आया हुआ है प्रश्न। देखिए कितने सामान्य शब्दों में आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लिखकर आपको दी गई है, पढ़ने में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत ही सरल शब्दों में, आसान शब्दों में लिखा गया है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति प्रति सेकंड मुद्रित की जाती है, तो ये क्या प्रति सेकंड, कैरेक्टर प्रति सेकंड मुद्रित की जाती है, उसे CPS में मापा जाता है। और ये भी CSPSL 2019 और CG व्यापम DEO 2014 इसमें यह प्रश्न आया गया है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है, क्यों मापी जाती है, क्योंकि ये कैरेक्टर प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर की गति कैरेक्टर पर सेकंड, पेज प्रिंटर की गति पेज पर मिनट, और लाइन प्रिंटर की गति लाइन पर मिनट, नोट कर लेंगे। ठीक है, मापी जाती है। यह प्रिंटर एक टाइपराइटर के समान कार्य करता है, इसकी संचालन लागत कम होती है। तो ये इस प्रकार से ये होता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब इस पेज से क्या क्या प्रश्न आ सकता है आपके लिए, वो हम एक बार ध्यान देते हैं। सबसे पहला, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, बोलिए साथ में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो सिक्वेंशियल प्रिंटर है, सिक्वेंशियली प्रिंट करता है।
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रिबन का प्रयोग करता है, हैमर का प्रयोग करता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी सबसे निम्न होती है, निम्न क्वालिटी का प्रिंट प्रोवाइड करता है, ठीक है कि नहीं। और इसकी क्वालिटी को डॉट पर इंच से मापा जाता है। तो इस प्रकार डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में अभी हमने पढ़ा। और कुछ विशेष बात इसके बारे में? अच्छा हाँ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है। कैसे प्रिंट कर सकता है? सपोज ये एक पेज है, इस पेज में हमें ये बनाना है सर्कल, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसे कैसे प्रिंट करेगा? पहले वो एक पहले सीक्वेंस में एक लाइन प्रिंट करेगा, दूसरे सीक्वेंस में दूसरी, तीसरे सीक्वेंस में तीसरी, चौथे सीक्वेंस में चौथी, पाँचवें में पाँचवीं, छठवें में छठवीं, सातवें में इस तरीके से, आठवें में ऐसा, नौ दस, ये बन गए ना गोलाकृति, एक ये गोलाकृति बन गई। पर ये डॉट डॉट में ही दिखाई देता है, ये बिल्कुल ऐसे स्मूथ सर्कल जैसा दिखाई नहीं देता, ये ऐसा डॉट डॉट में ही रहता है। इसलिए इसकी जो ग्राफिक्स की क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही एक ऐसा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है, और वो कैरेक्टर प्रिंटर भी है। कैरेक्टर प्रिंटर होने के साथ साथ वो ग्राफिक प्रिंट कर सकता है, पर इसके अलावा जो दूसरे कैरेक्टर प्रिंटर हैं वो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, इंकजेट और थर्मल भी कर सकते हैं ग्राफिक्स प्रिंट, पर उनकी क्वालिटी बहुत अलग होती है, इसकी क्वालिटी ख़राब होती है, ठीक है। ये इम्पैक्ट प्रकार का है। देखिए मेरा कहने का ये मतलब है कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो है कैरेक्टर प्रकार का है, और जो ये ही एक ऐसा कैरेक्टर प्रिंटर है और इम्पैक्ट प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है। इंकजेट और थर्मल भी कैरेक्टर प्रिंटर हैं और वो भी ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं, पर वो नॉन इम्पैक्ट प्रकार के हैं, ये इम्पैक्ट प्रकार का है, ठीक है। इम्पैक्ट भी है, कैरेक्टर भी है और ग्राफिक्स भी प्रिंट कर सकता है, याद रखेंगे। आगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बाद हम बढ़ते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। देखिए डेजी व्हील प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है, स्वाभाविक सी बात है, अभी हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर प्रिंटर्स के बारे में और इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में। और जब भी इम्पैक्ट प्रिंटर की बात आएगी तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो क्या करेगा, आपका इम्पैक्ट प्रिंटर इंक रिबन का प्रयोग करेगा और इंक रिबन का और हैमर का प्रयोग करेगा। ये हैमर मतलब वो जो पीछे से उसे चोट करे, ठीक है, वो हैमर होता है। तो डेजी व्हील प्रिंटर की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर की बात कर रहे हैं। तो डेजी व्हील प्रिंटर सबसे पहले इंक रिबन का प्रयोग करेगा। डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का कौन सा प्रिंटर होगा? कैरेक्टर प्रिंटर होगा, पहली बात। डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का कौन सा प्रिंटर होगा? इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। पहला ये इम्पैक्ट हुआ, दूसरा ये कैरेक्टर हुआ, फैक्ट्स ये याद होने चाहिए। ये रिबन का प्रयोग किया, ये हैमर का प्रयोग किया। जिस प्रकार डॉट मैट्रिक्स डॉट से डिज़ाइन बनाता था, ये डॉट से डिज़ाइन नहीं बनाता, ये इसकी टेक्निक अलग होती है। इसमें एक व्हील लगी होती है, ठीक है, इस व्हील में साइकिल के चक्के के जैसा स्पोक लगा होता है, ठीक है। क्या लगा होता है भाई? स्पोक लगा होता है, साइकिल के चक्कों के जैसा स्पोक लगा होता है। ये इस तरीके से मैंने स्पोक बना दिया, और बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। इन स्पोक्स के ऊपर में पैटल होता है, क्या होता है? पैटल, एक ऐसी संरचना होती है, गोल गोल पत्तों के समान संरचना होती है, ठीक है। इन सब पैटल्स बने होते हैं और इन पैटल्स के ऊपर में जो अक्षर छपे होते हैं और वो उल्टे छपे होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे करके पूरे अक्षर इसमें छपे होते हैं। अब क्या होता है, ये जो व्हील होता है सेंटर व्हील, ये गोल 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 घूमता है, ठीक है। और गोल गोल घूमने के बाद मैं इस व्हील को उठा के ले आता हूँ, सपोज यहाँ पर अभी मेरे हाथ में व्हील है, समझिए आप, या फिर इस पेपर के इंक रिबन को मैं यहाँ ले आता हूँ इस जगह पे, और इसके पीछे है पेपर, ठीक है, समझिए। अब आपको प्रिंट करना है, सपोज राम, ये आपको प्रिंट करना है, तो ये जो व्हील क्या करेगी, ये घूमेगी पहले
और घूम के आर को इस प्रिंट पोजीशन पे लेकर आएगी। जैसे ही ये प्रिंट पोजीशन पे आर आएगा, हैमर उसे स्ट्राइक करेगा और पेपर के पीछे आर छप जाएगा। फिर ये मूव होगा और ए सामने आएगा, फिर वो ए ए छप जाएगा, फिर से एक राउंड घूमेगा और एम आ जाएगा और एम छप जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रिंट करता है, कौन सा? डेजी व्हील प्रिंटर। इसको डेजी व्हील क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक व्हील है और ये एक फूल के समान दिखाई देता है, और ये फूल जो होता है गुलबहार का फूल, जिसे हम डेजी कहते हैं। तो डेजी व्हील गुलबहार के फूल के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए इसकी थ्योरी देखते हैं। मैंने जो डायग्राम बनाया वो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। देखिए ये एक व्हील बना हुआ है, इस पर स्पोक्स लगे होते हैं और ये स्पोक जो होता है इसी के ऊपर एक कैरेक्टर छपा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड फॉन्ट कैरेक्टर। अभी उसको मैं जूम करके बना रहा हूँ, उस एक पेटल को मैं जूम करके बना रहा हूँ। मान लेते ये स्पोक है, वो नीचे व्हील में लगा हुआ है, इस पर इस तरीके से अक्षर बाहर में छपे होते हैं। यही अक्षर के ऊपर में रिबन पड़ता है तो ये कलर ये अक्षर प्रिंट हो जाते हैं। मतलब एक रिबन होता है और हैमर उसे स्ट्राइक करता है तो वो छप जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं ठोस मुद्रा अक्षर। क्या कहते हैं इसे हम लोग? ठोस मुद्रा अक्षर या सॉलिड फॉन्ट कैरेक्टर। एग्जाम्पल ये देखिए, ये मेरे हाथ पे एक वो है स्टैंप। ठीक है, इस स्टैंप को मैं इस तरीके से इसमें दबाव देता हूं तो ये प्रिंट हो गया ना। फिर से दबाव देता हूं, ये प्रिंट हो गया। फिर से दबाव देता हूं, प्रिंट हो गया। मतलब कि क्या? यहां पर एक सॉलिड फॉन्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो ए बना हुआ है ना, इसमें ऐसे ही ये सॉलिड फॉन्ट का एक सेट होता है, ए बी सी डी ऐसे फॉन्ट्स में लिखे होते हैं। उसे आप इस तरीके से स्ट्राइक करेंगे तो वो छप जाता है। इसे ही हम कहते हैं सॉलिड फॉन्ट कैरेक्टर। और डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है वो सॉलिड फॉन्ट कैरेक्टर का प्रयोग करता है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरी देखते हैं। यह ठोस मुद्रा अक्षर सॉलिड फॉन्ट कैरेक्टर वाला प्रिंटर है, अभी मैंने आपको बताया। इनका नाम डेजी व्हील इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुलबहार से मिलती है। डेजी कहते हैं जिसे हम। डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, परंतु इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? इसलिए अच्छी होती है क्योंकि भाई देखो, बड़े सुंदर अक्षरों में अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं एस, ठीक है, तो भाई ये इसी सुंदर अक्षर, यही सुंदर अक्षर बार बार प्रिंट होगा उसमें, तो इसकी क्वालिटी बड़ी सुंदर होगी। तो ये लेटर क्वालिटी की एक बहुत ही अच्छी प्रिंटिंग प्रोवाइड हमको करेगा, या लेटर क्वालिटी की प्रिंटिंग सुविधा देता है। जिस प्रकार चित्र में दर्शाया गया है, डेजी व्हील प्रिंटर में एक प्रिंटिंग व्हील होते हैं जिसमें चारों तरफ स्पोक लगे होते हैं। इन स्पोक्स के ऊपर पेटल पर ठोस फॉन्ट छपे होते हैं, यही ठोस फॉन्ट जो वहां पर दिख रहा है आपको छपे होते हैं। व्हील क्षैतिज दिशा में घूमकर प्रिंट की स्थिति पर आता है और हैमर द्वारा स्ट्राइक करके कैरेक्टर प्रिंट किया जाता है। या एक रंग के कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि रिबन एक ही है, एक कलर का रिबन है, इसलिए एक कलर का प्रिंटर कर सकते हैं। इनमें ग्राफिक्स या चित्र प्रिंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पहले से प्री डिफाइंड जो कैरेक्टर उस फॉन्ट में छपे होंगे वो वही प्रिंट करेगा, कुछ आकृति चित्र वगैरह वो नहीं बना पाएगा। तो ये हो गई हमारी बात। यह भी एक कैरेक्टर प्रिंटर है, हमें पता है। और गोल्फ बॉल प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर को गोल्फ बॉल प्रिंटर भी कहते हैं, सीजी व्यापम 2018 के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो ये हो गया हमारा क्या? डेजी व्हील प्रिंटर। तब डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट? ये कैरेक्टर प्रिंटर है, ये इंपैक्ट प्रिंटर है, ये सॉलिड फॉन्ट कैरेक्टर का प्रयोग करता है, ये रिबन का प्रयोग करता है, ये हैमर का प्रयोग करता है, यह एक व्हील का प्रयोग करता है, इसमें स्पोक्स होते हैं जिसमें पेटल होता है, पेटल पर अक्षर छपे होते हैं। यह बहुत ही सुंदर क्वालिटी का एक लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग प्रोवाइड करता है, डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, तो ये आपके लिए डेजी व्हील प्रिंटर हो गया। कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा। और देखिए बुक कितने अच्छे से आपके लिए डिज़ाइन की गई है। बुक का नाम है हमारा कंप्यूटर विशिष्ट परिचय। ठीक है, जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल है।
और हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, विशेष छात्रावास अधीक्षक के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अच्छे से आपके लिए क्लास लगाई जाएगी। आप बिल्कुल सेंटर पर आइए और विज़िट कीजिए और जानकारी लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो क्लासेस अभी यहाँ पर चल रही हैं ये बहुत ही कम दाम पर आपको हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉम्पिटिशन अकेडमी डिजिटल क्लासेस पर अवेलेबल है। आप वहाँ से भी ये ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सकते हैं और ऑफलाइन के लिए आपका स्वागत है, आप क्लास में आइए। चलिए आगे बढ़ते, अब बात करते हैं हम लाइन प्रिंटर की। अब दो प्रकार के कैरेक्टर प्रिंटर जो डी और डी से आते हैं हमारे, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, ये हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं लाइन प्रिंटर की, है कि नहीं। तो लाइन प्रिंटर में आपका कौन सा आ गया हमारा, इनमें कैरेक्टर की बजाय एक लाइन को एक बार में छापा जाता है लाइन प्रिंटर। इसके छापने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। इसकी गति को लाइन, ये ऑब्लिक का निशान मतलब प्रति मिनट, लाइन प्रति मिनट से मापा जाता है, ठीक है। लाइन प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, हमने देख लिया है, जो लाइन से तीन आते हैं, लाइन से मतलब बी सी और डी, बेन चैन और ड्रम, ठीक। अब ये यहां पर देखते हैं हम, देखिए ये कौन सा प्रिंटर है, एक तो ये इंपैक्ट प्रिंटर है, तो इंपैक्ट प्रिंटर के कारण ये हैमर का तो प्रयोग करेगा ही, इंक रिबन का भी प्रयोग करेगा और ये सिंगल कलर में प्रिंट करेगा और इससे कार्बन कॉपी प्राप्त की जा सकेगी। क्यों? क्योंकि ये इंपैक्ट प्रिंटर है, इतनी बात तो इसके लिए पक्की है। दूसरी बात, कैसे प्रिंट करेगा, कौन सा प्रिंटर देख रहे हैं हम लोग अभी, ड्रम प्रिंटर, नाम ही ड्रम है तो सबसे पहले तो इसमें एक ड्रम होगा भाई, है ना, ड्रम, ये हो गया ड्रम। अब दूसरी बात, इस ड्रम के अंदर में क्या लगा होगा, बैंड लगा होगा, ये बैंड है। अब इस बैंड की क्या खास बात है, इसी बैंड पर ना छपे होते हैं अक्षर, कैसे, इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ जी 1 2 3 4 0 पूरा, जितने अक्षर इसमें छपे हैं वही पूरे इसमें भी छपेंगे, वही पूरे इसमें 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 सब में छपे होते हैं बैंड में। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, वो ताला खोलने वाला एक लॉक आता है ना जिसमें इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं और उस नंबर को एक साथ मैच किया जाता है। तो मान लो आपका 078 कोड है, तो आप पहले बैंड को घुमाएंगे, जीरो में लाएंगे, दूसरे बैंड को घुमाएंगे, सेवन में लाएंगे, तीसरे बैंड को घुमाएंगे, एट में लाएंगे और आपका लॉक खुल जाएगा। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर क्या होता है, ये बैंड जो रहते हैं ये मूव करते हैं, जैसे कि आपको प्रिंट करना है, सेम राम आपको प्रिंट करना है, तो पहले ये वाला बैंड घूमेगा और प्रिंटिंग पोजिशन पे आर को लेके आएगा, फिर ये वाला बैंड घूमेगा और प्रिंटिंग पोजिशन पे ए को लेके आएगा, और ये वाला बैंड घूमेगा और एम को लेके आएगा, वो पूरी लाइन एक साथ घूम के एक लाइन में आ जाएगी और हैमर उसे इस तरीके से स्ट्राइक कर देगा। ये देखिए यहाँ प्रत्येक प्रिंटिंग पोजिशन के लिए क्या लगा हुआ है, हैमर लगा हुआ है, और यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरीके से अक्षर लिखे हुए हैं। जो भी प्रिंट आपको करना है वो बैंड में आप एक साथ घूम के एक लाइन पे ले आएंगे, जैसे ही वो एक लाइन पे आएगा ये हैमर उसे स्ट्राइक कर देगा और वो पूरी लाइन छप जाएगी, इसलिए लाइन प्रिंटर है। अब इसकी डेफिनेशन देते हैं, यह एक लाइन और इम्पैक्ट प्रिंटर है, डन इम्पैक्ट है क्योंकि हैमर का प्रयोग कर रहा है। यह प्रिंट के लिए ड्रम रिबन प्रिंटिंग हेड तथा हैमर का प्रयोग करता है, डन। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, ड्रम प्रिंटर तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है, ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सहायता से अक्षर जिसके ऊपर अक्षर उभरे हुए होते हैं, एक बैंड पर सभी अक्षर का एक समूह होता है और ऐसे कई बैंड ड्रम पर लगे होते हैं। इन बैंड के माध्यम से लाइन की प्रत्येक स्थिति कैरेक्टर छापे जा सकते हैं, जैसा मैंने आपको समझाया, है कि नहीं।
मैं थ्योरी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि कल को आप जब बुक पढ़ें तो आपको चीज़ें क्लियर रहे, सिर्फ और कोई दूसरा कारण नहीं है। ड्रम तेजी से घूमता है और एक रोटेशन में एक लाइन छापता है, एक बार रोटेट करेगा सारे को एक साथ प्रिंटिंग पोजिशन में लाएगा और यहाँ पर ये जो हैमर्स आपको दिख रहे हैं वो उसे स्ट्राइक करके छाप देंगे भाई। जब बैंड के कैरेक्टर एक लाइन में आते हैं तो वो हैमर को पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट कर देता है। तो ये हो गया हमारा बैंड प्रिंटर। तो बैंड प्रिंटर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात हो गई, इंपैक्ट प्रिंटर की सारी खूबियां किस में होंगी, बैंड प्रिंटर में होंगी। बस ये ड्रम प्रिंटर में होंगी, मैं बैंड प्रिंटर कर रहा हूँ, ये ड्रम प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर की खूबी, इंपैक्ट प्रिंटर की सारी खूबी ड्रम प्रिंटर में होगी। और एक खास बात होगी कि ये ड्रम का प्रयोग करेगा जिस ड्रम में बैंड लगे होंगे, बैंड मतलब जो फ्रेंडशिप बैंड होता है समझ लो वैसी बैंड लगे होंगे, गोल 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 चूड़ियाँ लगी होंगी, उन्हीं चूड़ियों पे अक्षर छपे होंगे, वो गोल गोल घूम के प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैंड प्रिंटर। अब बात करते हैं इंकजेट कहाँ से आ गया, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर की। ये भी एक इंपैक्ट प्रिंटर है और ये भी एक लाइन प्रिंटर है। तो पहला फैक्ट तो हो गया कि चैन प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है और एक लाइन प्रिंटर है। ठीक है, दूसरी बात, इंपैक्ट है तो हैमर का प्रयोग तो करेगा ही करेगा, इंक रिबन का प्रयोग तो करेगा ही करेगा, दो चीज़ें आ गई। अब ये क्या एक्स्ट्रा चीज प्रयोग करेगा, तो जैसे साइकिल की चेन होती है ना वैसे ही, ये देखिए साइकिल की चेन जैसे इसमें एक चैन लगा हुआ है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हैमर का पोजिशन है, ये हैमर है, हैमर मतलब जो कि स्ट्राइक करेगा उसमें, हैमर मतलब होता है हथौड़ा जो स्ट्राइक करेगा उसमें, और यहाँ पर पेपर है और इसके यहाँ पर एक इंकर रिबन है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो चेन दिख रहा है इस चेन में लिंक होते हैं छोटे छोटे ऐसे टुकड़े, और इन्हीं लिंक के ऊपर में अक्षर छपे होते हैं इस तरीके से। अब ये अपने तरीके से जब एक लाइन प्रिंट करना होता है तो चेन घूम के सारे अक्षरों को एक लाइन में ले आता है और हैमर उसे स्ट्राइक कर देता है, इस तरीके से ये आपकी प्रिंटिंग का ये प्रिंट करता है। या एक लाइन और एक इंपैक्ट प्रिंटर है, ये लाइन प्रिंटर है साथ साथ ये इंपैक्ट प्रिंटर है। इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली चैन, रिबन और हैमर का प्रयोग किया जाता है। ये हो गई आपकी चैन, ये हो गया आपका हैमर, और इसी के पीछे लगा है आपका रिबन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चैन घूमकर प्रत्येक फॉन्ट को एक प्रिंटिंग पोजीशन में लेकर आता है और हैमर द्वारा स्ट्राइक करके प्रिंट प्राप्त किया जाता है। सिंपल सी बात है जैसा मैंने आपको बताया। अब चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर में क्या डिफरेंस है, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर एग्जैक्टली सेम तरीके से वर्क करता है, अंतर सिर्फ इतना होता है यहाँ पर जो चेन लगा हुआ है इस चेन की जगह एक स्टील का बैंड लगा होता है। क्या लगा होता है, एक स्टील का बैंड लगा होता है और बैंड प्रिंटर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या क्या देखा, हमने देखा इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर हमने देखे, पहला देखा हमने डी फॉर डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स के बाद हमने देखा डेजीविल के बाद हमने देखा, सबसे पहले कौन सा देखा था हमने लाइन प्रिंटर में, बैंड, चलो बैंड बैंड चेंट हम लिख लेते हैं BCD बैंड। दूसरा आपका हो गया हमने देखा चेन, और तीसरा हमने देखा ड्रम। ये हमने इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर हमने देखे, इसमें से ये तीन जो हैं वो हमारे लाइन है और ये जो दो प्रिंटर हैं हमारे कैरेक्टर प्रिंटर हैं। ठीक है, तो ऐसे याद करिएगा, अगर प्रश्न आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर जो लाइन प्रिंटर भी है और इंपैक्ट प्रिंटर भी है, तो ये तीन होंगे आपके उत्तर में, अगर इन तीनों में से कोई भी होगा तो वो आपका उत्तर होगा। अगर कोई पूछे कि कौन सा प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर है और इंपैक्ट प्रिंटर है, तो डॉट मैट्रिक्स और डेजीविल होंगे। ठीक है, अब इंपैक्ट प्रिंटर है तो क्या चीज़ कॉमन रहेगा, इंपैक्ट प्रिंटर है तो कॉमन रहेगा ये सब रिबन,
इंक रिबन, इंक रिबन का प्रयोग करेंगे, किसका, इंक रिबन, इंक रिबन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हैमर का प्रयोग करेंगे, हैमर और इंक रिबन का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। अब सब में अलग अलग क्या अंतर है, बैंड प्रिंटर स्टील के बैंड का प्रयोग करता है, चेन प्रिंटर चेन का प्रयोग करता है, ड्रम प्रिंटर ड्रम का प्रयोग करता है, डेजी व्हील प्रिंटर सॉलिड फॉन्ट कैरेक्टर का, जो पेटल में छपे होते हैं सॉलिड फॉन्ट कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षर का प्रयोग करता है, और डॉट मैट्रिक्स पिन का प्रयोग करता है, पिन के माध्यम से करता है। तो यही जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज की जो ये क्लास है ये हम यहीं पर एंड करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो देखने वाले हैं वो आपका इंक जेट प्रिंटर, मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, जो हमने चर्चा की थी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के, इंक जेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, इस पर हम चर्चा इसके बाद वाली क्लास में करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने समझाया वो आपको समझ आया होगा, है कि नहीं। आपको क्लास अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं, आपको जो भी डाउट आए आप हमें कमेंट करके बताएं, आपको उस वो डाउट आपको क्लियर किया जाएगा। दूसरी बात, हमारी जो एप्लीकेशन है कॉम्पिटिशन एकेडमी डिजिटल क्लास, उस पर मेरी जो क्लास है वो बहुत ही कम दाम पर आपको उपलब्ध है, आप बिल्कुल जाइए, ये मान के चलिए आपको एक लार्ज पिज़्ज़ा जो आपको मिलता है उससे भी कम दाम पे आपको वो क्लास अवेलेबल होगी, आप बिल्कुल वहाँ पर आएँ, आपका स्वागत है। साथ ही छात्रावास अधीक्षक एग्जामिनेशन आने वाला है, उसके लिए मार्केट में आपको बुक्स खोजने की आवश्यकता नहीं है, कंप्यूटर के लिए हमारी बुक सफिशियंट है आपके लिए। उसमें एक तो सारे प्रश्नों जो आए हुए हैं उनकी व्याख्या पीछे दी हुई है, दूसरा आए हुए सारे प्रश्न जो हमारी बुक से पहले आए हुए हैं वो सब उसमें हैं, बिल्कुल मेंशन किया गया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा आपका क्वेश्चन किस ईयर से आया हुआ है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, सबसे पहली बात। और दूसरा देखिए कि हमने कितने सामान्य शब्दों में आपको चीज़ें डिफाइन की हैं जिसे पढ़ना बहुत ही आसान हो सकता है, तो ये बुक जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है कि नहीं। तो चलिए आज मैं अपनी क्लास यहीं पर एंड करता हूँ, हमारी मुलाकात आपसे फिर से हमारी अगली वीडियो पर होगी, तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।